Hello students, welcome back to the OSN Academy. So today's topic is adverb. We have completed noun, pronoun and then adjective, and you must have gone through the previous lecture where you have been taught what are the adjectives and what are the kinds and the things to remember while studying adjective. So in the continuation of parts of a speech, today I'll be teaching adverb. ये एक ऐसा topic है जो आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इन topics को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा confusion हो जाती है या फिर नहीं समझ में आता है कि अगर हमें किसी section में कोई word underline करके दे दिया गया है तो हमें कैसे identify करना है कि adverb क्या होता है. ठीक है, सो पहले हम एडवर्ब पढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब. अगर हम वर्ड को डिफाइन करने पे आए तो एडवर्ब क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स तो इजी थे हमारे लिए, बट जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ट्रिकी होते हैं. बहुत से लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की होगी, बट आज हम केवल और केवल उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन हम लेकर चल रहे हैं ना, कि हम हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ये बहुत हेल्प करेगा. क्योंकि जब आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होती है चीज़ों की, तो आप देखते हो कि हर टॉपिक को एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर कोई भी ऑप्शन आता है तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो. एंड एलिमिनेशन की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो एलिमिनेट आप तभी कर पाओगे जब हर टॉपिक का जो एक बेसिक नॉलेज है, एक जो बेसिक फाउंडेशन है, वो आपको क्लियर होगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम डिस्कस करते हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं. अच्छा, एडवर्ब से पहले आपको याद होगा ना, हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में. वी हैव डिस्कस्ड कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमें एडजेक्टिव्स कैसे आइडेंटिफाई करना है. आज हम पढ़ेंगे उसी के कंटिन्यूएशन में कि एडवर्ब क्या होते हैं. पर एडवर्ब को समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखे हैं जिसमें कि एडजेक्टिव्स भी दिए गए हैं. समझते हैं कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि एडवर्ब क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कैसे दोनों डिफर करते हैं. ओके, लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. ये बताइए कि ब्यूटिफुल है क्या आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, पीछे के क्लासेस में पढ़ा हुआ है हमने कि ब्यूटीफुल क्या है. देखते हैं. अच्छा एग्जांपल, द स्टोरी वाज ब्यूटीफुल. जो कहानी नरेट की गई थी या बताई गई थी या हमें सुनाई गई थी वो कैसी थी, सुंदर थी. तो ब्यूटीफुल इस सेंटेंस में है क्या, किसके बारे में बता रहा है ये वर्ड ब्यूटीफुल, किसको डिफाइन कर रहा है, स्टोरी को. स्टोरी क्या है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इट्स अ नेम ऑफ समथिंग. तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया. और कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. क्या कहते हैं उसे हम, एडजेक्टिव कहते हैं. थर्ड एग्जांपल देखते हैं. शी इज अ स्लो स्पीकर. वो एक स्लो स्पीकर है, धीमे धीमे बात करती है या धीरे धीरे बोलती है, कुछ इसका ये मतलब है. ठीक है, शी इज अ स्लो स्पीकर. ये जो स्लो वर्ड है ये क्या है, आपको ये समझना है कि हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि स्लो कहां आएगा. ये जो स्लो वर्ड है ये किसके बारे में बता रहा है, स्पीकर. और स्पीकर क्या है, नाउन है. एक्चुअल में शी इज अ स्पीकर, वो एक स्पीकर है, जैसे आप कहते हो ना कि शी इज अ स्पीकर, और शी इज अ टीचर, और शी इज अ डांसर. तो वैसे ही हमने एक और चीज कर दी है कि वो स्पीकर कैसी स्पीकर है, हमने ये भी बता दिया है कि वो स्लो स्पीकर है. सो स्लो आपकी इंग्लिश में है क्या, समझ पा रहे हैं कि किसके बारे में बता रहा है स्लो. एक्चुअल में ये नाउन के बारे में बता रहा है, और क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है. आप सोच रहे होंगे मैम हम एडजेक्टिव से पढ़ चुके हैं फिर दोबारा क्यों बताया जा रहा है. नहीं, एडवर्ब समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूं. देखिए, वर्ड अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे ना, हमारा जो वर्ड है जैसे फंक्शन करता है वैसे ही वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज भी हो जाता है. ठीक है, आगे की आने वाली क्लास में आपको समझ में आएगा कि एक ही वर्ड को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज भी कर सकते हैं. अच्छा, देखते हैं कि द स्टोरी वॉज ब्यूटिफुल. अगर ब्यूटिफुल वर्ड एडजेक्टिव है एंड स्लो वर्ड एडजेक्टिव है तो हम इसे एडवर्ब के टॉपिक में क्यों पढ़ रहे हैं. देखिए, जब कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, उसकी क्वालिटी को बताएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा. लेकिन अगर कोई वर्ड, यहां देखते हैं, ही नरेट्स द स्टोरी, वो क्या करता है, स्टोरी नरेट करता है,
कैसे नरेट करता है ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से. सो ये जो ब्यूटीफुली वर्ड है ये किसके बारे में बता रहा है? आप पहले सोचिए किसके किसके बारे में बता रहा है, किस एक्शन को या फिर किस वर्ड को बता रहा है. ही नरेट्स, अगर हमें स्टोरी हटा दे तो क्या ब्यूटीफुल वर्ड सही रहेगा? ब्यूटीफुली वर्ड सही है. ही नरेट्स ब्यूटीफुली, यस सही होगा. वो क्या करता है, बहुत ही सुंदर तरीके से नरेट करता है, बीट अ स्टोरी और बीट एन इंसिडेंट, कोई छोटी सी स्मॉल कोई घटना हो उसके बारे में हो या कोई कहानी हो, उसको क्या करता है बहुत ही सुंदर तरीके से नरेट करता है. यानी कि ये किसी ना किसी एक्शन के बारे में बता रहा है. ठीक है, हाउ इज ही नरेटिंग द स्टोरी, हाउ इज ही नरेटिंग द स्टोरी. सो यानी कि जो एक्शन है वो कैसे किया जा रहा है. अगर कोई वर्ड वर्ब के बारे में बताता है कि वो एक्शन कैसे किया गया है तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है. ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा. और एडवर्ब के डेफिनेशन पे अगर हम आए तो एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि किसी वर्ब क्रिया के बारे में बताते हैं कि वो क्रिया कैसे की गई है. देखिए ऊपर ब्यूटीफुल लिखा था लेकिन ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है, क्रिया के बारे में नहीं बता रहा है. एक्चुअल में इट इज टेलिंग अबाउट द नाउन, एंड व्हाट वाज द नाउन इन दैट सेंटेंस, स्टोरी, स्टोरी के बारे में बता रहा है. सेम यहां पर ये जो ब्यूटीफुली वर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है, नरेट, जो नरेट किया जा रहा है, जो नरेट का एक्शन है उसके बारे में बता रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी इज अ स्लो स्पीकर. यहां तो आपको समझ में आ गया कि ये एडजेक्टिव है. नाउ शी स्पीक्स स्लोली, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे बोल रही है. हाउ इज शी स्पीकिंग, वो कैसे बोल रही है, बोलने का एक्शन कैसे हो रहा है, स्लोली हो रहा है. सो ये स्लोली क्या हो गया आपके इंग्लिश में, एडवर्ब हो गया. इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं. ठीक है, सो जो एडवर्ब होता है इट टेल्स अबाउट. अब ये ध्यान रखिएगा कि ये किसके किसके बारे में बताता है, ये आपको जानने की जरूरत है. एक्चुअल में ये किसी वर्ब के बारे में बताता है. ठीक है, वर्ब के बारे में कैसे बताता है, आपने अभी देखा कि वर्ब का एक्शन कैसे किया जा रहा है. अगर कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा. अगर कोई दूसरा वर्ड किसी वर्ब के बारे में डिफाइन करेगा, कुछ बताएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा. इसके अलावा जो एडवर्ब होते हैं वो किसी एडजेक्टिव के बारे में भी बताते हैं, किसी एडजेक्टिव के बारे में भी बताते हैं. कैसे देख लेते हैं. अच्छा, अगर आपको कहना है कि शी इज, इधर देख लो वर्ब के बारे में कैसे बताता है, इधर देख लो दूसरा सेंटेंस, शी टीचेस वेल, कैसा पढ़ाती है वो, पढ़ाने को डिफाइन किया जा रहा है. वेल क्या है आपका, कैसा पढ़ाती है वो, अच्छा पढ़ाती है. तो ये जो वेल है वो किसको डिफाइन कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, पढ़ाने के एक्शन को. तो क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया. यहां ये किसको डिफाइन करने का काम कर रहा है, वर्ब को. ठीक है, अब मैम ने कहा कि ये किसी एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है. देखते हैं कि कैसे किसी एडजेक्टिव को ये डिफाइन करता है या किस तरीके से हम अगर एडजेक्टिव की बात करें तो किस तरीके से होता है. ही इज अ गुड टीचर. यहां तो कोई एडवर्ब है ही नहीं, ही तो प्रोनाउन हो गया, इज आपकी वर्ब हो गई, ये आर्टिकल हो गया. गुड कैसा टीचर है वो, अच्छा टीचर है. सो सेंटेंस में तो एडजेक्टिव दिया गया फिर नाउन दिया गया. यहां देखिए, ही इज अ वेरी गुड टीचर. ये जो वेरी वर्ड है ना वो एक, देखिए सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है जब आप एडवर्ब यूज करोगे ना, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. ही इज अ वेरी गुड टीचर, हम पहले कह रहे थे कि ही इज अ गुड टीचर, वो एक अच्छा अध्यापक है. अब हम क्या कह रहे हैं कि ही इज अ वेरी गुड टीचर, कि वो एक बहुत अच्छा अध्यापक है. सेंटेंस का जो कहने का तरीका था, जो सेंस था, वो चेंज हो गया है. अब हमने उसे ज्यादा एम्फेसिस दे दिया है कि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है या पढ़ाती है. पर यहां हमने लिखा है ही इज अ वेरी गुड टीचर. ये जो वेरी शब्द है ये अच्छे को डिफाइन कर रहा है,
यानी कि एक अच्छा है और एक बहुत अच्छा है. सो ये जो वेरी वर्ड है एक्चुअल में किसको डिफाइन कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है. सो एक एडवर्ब का जनरली 90% जो काम होता है वो किसी वर्ब के बारे में ही बताना होता है, लेकिन देयर आर सम वर्ड्स जो कि किसी एडजेक्टिव के बारे में भी अगर बता रहे होंगे, तो जब एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब के बारे में बताएगा और किसी एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है. सो ये एक एडजेक्टिव एंड वर्ब को डिफाइन करता है. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताएगा, यानी एक एडवर्ब का काम थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताने का काम करता है. ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें एडवर्ब की, सो ये जो एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, ठीक है, किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता है. कैसे, ये ध्यान ले लेते हैं या इसे समझ लेते हैं. यहां समझ में आया आपको कि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, यहां एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, दूसरे एडवर्ब को कैसे डिफाइन करेगा या कैसे एडवर्ब हो जाएगा. इधर देखिए, ही इज अ वेरी वेरी गुड टीचर. चलिए थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं सेंटेंस का समझने के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को. ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, आप पढ़ चुके हो इसलिए मैं आपको डिफाइन भी कर रही हूँ. ये कैसी हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, स्टैटिक वर्ब है वैसे वहां पे, ये आर्टिकल हो गया. ये क्या है, टीचर, एक तरह का नाउन है, टीचर के बारे में बता रहा है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है तो क्या हो गया, एडवर्ब. और फिर ये किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में ही बता रहा है, सो ये भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा. ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, सो जो वर्ड का एक्शन क्या है, यानी वो कैसे फंक्शन कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, अगर किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तो एडवर्ब कहलाएगा, और किसी वर्ब के बारे में बताएगा तो भी एडवर्ब ही होगा, एंड किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो भी क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब भी कहलाएगा. सो अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट वर्ब एंड समटाइम्स दैट आल्सो टेल्स अबाउट एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज नोन एज एडवर्ब. ठीक है, क्या करते हैं, जो दूसरे एडवर्ब या एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में बताते हैं, ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है एडवर्ब की. केवल वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, बल्कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं. अच्छा, कुछ एग्जांपल से बात कर लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं. एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जनरली आपके जो ly वर्ड है ना, ये एडवर्ब होते हैं, पर फंक्शन जैसे करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है. कि किसी भी इंग्लिश को मैं एडजेक्टिव के तुरंत बाद एडवर्ब आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ सो दैट आप समझ पाए. इधर देखिए, फंक्शन बहुत डिपेंड करता है. यहां देखिए, स्लो वर्ड था, स्लो का एडवर्ब क्या है, स्लोली. ब्यूटिफुल था, ब्यूटिफुल का एडवर्ब क्या है, ब्यूटिफुली. नेक्स्ट अगर हम ऐसे जाते रहे, बहुत सारे वर्ड है, केयरफुल, एडवर्ब क्या बन जाएगा, केयरफुली. सो ये जो ly से वर्ड एंड हो रहे हैं ना, जनरली ये क्या होते हैं आपके इंग्लिश में, एडवर्ब कहलाते हैं. बट ऑल द ly वर्ड्स कैन नॉट बी अज्यूम्ड और कैन नॉट बी सेड एज एन एडवर्ब. आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंसेस को समझेंगे. इधर देख लीजिए, आई एम अ फास्ट ड्राइवर और राइडर, कुछ भी कह लो, ठीक है. ये बताइए यहाँ पे फास्ट क्या है. एंड इधर देख लो, ही राइड्स हिज बाइक फास्ट. And मैं एक और सेंटेंस लिख रही हूं, ही राइड्स हिज बाइक वेरी फास्ट. ये पूरा आपको सेंटेंस तीन तरीके से दिया गया है, समझिएगा. आई एम अ फास्ट राइडर, वर्ड एक ही है, फास्ट फास्ट फास्ट, ठीक है, पर आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से इसे यूज किया गया है या फिर हम इसे कैसे समझ रहे हैं. आई एम अ फास्ट राइडर, ये फास्ट क्या है यहां पर,
how a word function in your grammar, that method will tell you which part of a speech that word is. ठीक है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है. ये फर्स्ट किसके बारे में बता रहा है, किसकी क्वालिटी को बता रहा है, किसी एक्शन की को बता रहा है यहाँ पे? नहीं, एक्चुअल में किसके बारे में बता रहा है, इस राइडर के बारे में. जैसे आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड डांसर, आई एम अ गुड सिंगर, वैसे ही गुड वर्ड आपको क्योंकि याद है हमेशा से, गुड, ब्यूटिफुल, बैड, ये हमें एडजेक्टिव्स के तरीके से याद होते हैं. रटिए रही समझिएगा, आई एम अ फास्ट राइडर. फास्ट वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को. और नाउन की विशेषता या नाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं.